बॉलीवुड एक्ट्रेस और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक दूसरे को जो कि लंबे समय से डेट कर रहे थे और कपल के बीच काफी दिनों से प्यार चल रहा था, लेकिन आपको बता दें कि ये प्यार अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर इकबाल जो कि 23 जून को शादी करने वाले हैं। हालांकि इस खबर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जिसके बाद कई सवाल जो कि खड़े हो गए थे। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने अपनी शादी का जो कि आइडियो वेडिंग कार्ड जो कि शो कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने फैंस को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। कॉपीराइट के चलते वो आइडियो तो हम आपको नहीं सुना सकते, टाइम्स के इंस्टाग्राम पेज पे आप सुन सकते हैं। बता रहे हैं कि एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में सोनाक्षी ने कहा था कि सबसे पहली बात है कि इससे किसी का लेना देना नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये चॉइस मेरी है, तो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है। बता रहे हैं कि सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी पर कुछ लोग जो कि भड़क उठे थे, जिसके चलते सोनाक्षी ने उन सभी को जो कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये भी खबरें आई थी कि सोनाक्षी और जहीर लिव इन में रहते हैं। इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि जब बिना सोचे समझे लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं तो यही होता है। अब मैं भी अपने पेरेंट्स के घर में रहती हूँ और मेरे पास खुद का घर भी है, जहाँ मैं मीटिंग इवेंट्स के लिए रेडी होने के लिए जाती हूँ, लेकिन काम खत्म करने के लिए बाद में सोने के लिए अपने पेरेंट्स वाले घर में ही जाती हूँ। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने अपने शादी की अनाउंसमेंट कर दी, वेडिंग कार्ड जो कि ऑडियो कार्ड भी शेयर किया। बॉलीवुड से जुड़ी और इसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।